नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 19 जनवरी को पठारी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 232 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी समीक्षा की जा रही है। प्रशासन आवेदनों के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुधवार को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल एवं उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग डॉक्टर पीके मिश्रा ने पठारी और भाल बमोरा सेक्टर के ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ मयंक अग्रवाल ने आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण 2011 के सर्वे के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज जो है फुलवाई विकासखंड के अंतर्गत दो जो सेक्टर हैं उनके सभी ग्राम पंचायत के सचिव और GRS उनकी आज बैठक रखी गई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य ये भी रखा गया था कि अभी आपके पठारी में 19 तारीख को आपकी सरकार आपके द्वार का जो आयोजन माननीय प्रभारी मंत्री जी की मुख्य आतिथ्य में हुआ है, उसमें जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके अंतर्गत हमारी पंचायतों के अधिकांश आवेदन रहते हैं प्रायः, उन आवेदनों का निराकरण और विभिन्न विभागों के भी जो आवेदन आए हैं उनको भी एक बार नज़र से देख के उसमें क्या निराकरण की कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई है या ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें अपलोड की गई है उसका परीक्षण किया गया है, और संबंधित हितग्राहियों को भी आज कुछ को हमने यहाँ जिनको सूचना पाई है वो लोग आए थे। कुछ की पंचायत पेंशन की स्वीकृतियाँ उसके अंतर्गत करवाई गई हैं, कुछ उनको स्वीकृति पत्र दिए गए हैं, कुछ जो उनकी समस्याओं का था उनसे मौके पर भी जानकारी ली गई है, और उसके अनुसार जो उनकी समस्या आई है उसके निदान के लिए ग्राम पंचायत लेवल से भी बात हुई है, जनपद लेवल के अधिकारियों से भी बात हुई है। मुख्यतः जो प्रकरण उसमें ग्राम पंचायत के हमें मिले हैं वो आवास से संबंधित हैं, जिनका निराकरण आवास में, चूँकि आप सबको मालूम है कि क्रम से आवास दिए जा रहे हैं जिनकी पात्रता आ रही है, बाकी उनको अवगत करा दिया, पंचायत को बता दिया गया है कि उनको अवगत करा दें, जिनके पोर्टल पर बाद में ऐप में ऐड हुए हैं नाम उनको भी उन्हें अवगत करा दें ताकि उन्हें मालूम रहे कि हमारे आवास की पात्रता हमें कब आएगी। मुख्य रूप से जो पेंशन की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए भी पंचायत को अवगत करा दिया है कि जिनकी पात्रता है उनको एक सप्ताह के अंतर्गत उनका निराकरण करें, और कर्मकार मंडल में जो अंत्येष्टि सहायता है उसके प्रकरणों को भी अवलोकन यहाँ पर किया गया है आज सीओ साहब के द्वारा, उनसे भी समझ में, तो कल जनपद पंचायत के जो संबंधित ऑपरेटर हैं और जो उनके प्रभारी अधिकारी हैं उनको मैं रिकॉर्ड के साथ कल जिला पंचायत के सामने तलब किया है और उनका निराकरण की स्थिति वहां पर सामने की जाएगी। तो इस प्रकार से मूलतः जो हमारे फॉलोअप कैंप है ये एक तरह का, जिसमें हमने उन आवेदन पत्रों का निराकरण के लिए देखा है, और आगामी समय में यदि फिर से जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से दोबारा इस तरह की समीक्षा करके और उन आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा, क्योंकि शासन की प्राथमिकता है कि आपकी सरकार आपके द्वार के जो भी आवेदन है उनका 100% सही निराकरण करके आम आदमी को हमें अवगत कराना है, तो उसी के तहत ये आज फॉलोअप के मुद्दे यहाँ लगाए। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।